दोस्तों आज भारत में सिविल एविएशन इतना आगे बढ़ चुका है कि आज उसे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एविएशन मार्केट में गिना जाता है। और अगर हम भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई की बात करें तो इस शहर में एक नए एयरपोर्ट की मांग बढ़ती जा रही है, जिसके चलते मुंबई की उपनगरी नवी मुंबई में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है जिसका काम स्पीड से जारी है। दोस्तों नवी मुंबई एयरपोर्ट एक न्यू और प्रपोज्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो मुंबई के कोपरा पनवेल क्षेत्र में बनाया जा रहा है। इसको बनाने की जिम्मेदारी सिडको यानी की सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास है। ये एयरपोर्ट करीब 10 किलोमीटर एरिया को कवर कर रहा है, जिसके बन जाने से न सिर्फ नवी मुंबई बल्कि ठाणे, कल्याण और दूसरे इलाकों के यात्रियों को फायदा मिलेगा, साथ ही साथ मुंबई एयरपोर्ट का लोड भी काफी कम होने की उम्मीद है। बात करें इसके डिजाइन की तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि NMIAL ने एयरपोर्ट के डिजाइन के लिए भारतीय कला संस्कृति के साथ मॉडर्निटी को मिक्स किया है। ये डिजाइन बनाई है फेमस आर्किटेक्ट कंपनी जहा हदीद ने। इस एयरपोर्ट में बनाए जाने वाला सेंट्रल टर्मिनल कॉम्प्लेक्स सबसे खास होने वाला है, जो तीन इंटरकनेक्टेड मल्टी लेवल टर्मिनलों का ग्रुप होगा। यहाँ पर यात्रियों को फूड कोर्ट्स, लॉन्जेस, ट्रेवलेटर्स, मल्टी लेवल कार पार्किंग और भी कई सारी फैसिलिटी देखने को मिलेगी। इस एयरपोर्ट पर दो डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट से प्रवेश किया जा सकेगा। और बात करूं इस एयरपोर्ट के रनवे की तो यहां पर दो समानांतर रनवे बनाए जाने हैं जिनकी लंबाई 3700 मीटर है। इन रनवे की खास बात ये है कि ये एक साथ एक्सप्रेसवे, मेट्रो और वाटर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को मैनेज करने में कैपेबल होंगे। करीब 1160 हेक्टेयर एरिया में बनाए जाने वाले इस एयरपोर्ट की कॉस्ट है 16,700 करोड़। ये एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जैसे NMIAL और सिडको एग्जीक्यूट कर रही है। इसमें सिडको नोडल गवर्नमेंट एजेंसी है जो इसे P3 मोड यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग डेवलप कर रही है। इस एयरपोर्ट के पहले फेज में 10 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम हैंडल करने की उम्मीद है और पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद ये संख्या 90 मिलियन तक जा सकती है। दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन साल 2021 में स्टार्ट हुआ, जिसे तीन फेज में कम्प्लीट किया जा रहा है और करंट में साउदर्न टैक्सीवे का काम चल रहा है, जहां बाउंड्री वॉल और ड्रेन कंस्ट्रक्शन जारी है। इसके अलावा साउदर्न रनवे का काम, टर्मिनल वन का काम और सर्विस रोड का कंस्ट्रक्शन भी जारी है। इसके साथ ही एयरपोर्ट को 5 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के द्वारा कनेक्टिविटी दी जानी है, जिसमें मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट, MTHL कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड प्रोजेक्ट, थाने क्रीक ब्रिज प्रोजेक्ट और मेट्रो रेल शामिल है। इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट करने के बाद इसे 2024 तक शुरू करने का प्लान है। तो दोस्तों नवी मुंबई के इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।